गुड मॉर्निंग क्लास. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.2, राइट, ऑफ नाइन्थ क्लास. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज योर स्टेटमेंट विच इज नॉट कम्प्लीट येट. अभी भी ये कम्प्लीट नहीं है, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, अदरवाइज हमारा बहुत टाइम जाता है इसे लिखने में. एंड सेकेंड थिंग इज कि आपको स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, बहुत ही ईजी है. इट जस्ट अ डेली लाइफ प्रॉब्लम, राइट. टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन, राइट. अब देखिए आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है. अ सिटी हैज टू मेन रोड्स, दो मेन रोड हैं सिटी के, राइट, क्रॉस ईच अदर. इट मीन्स कुछ ऐसे होंगे लाइक कटिंग ईच अदर. एक ये रोड, मतलब ये आपके पास एक रोड ये हो गया और एक रोड आपके पास ये हो गया, राइट, ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. और जो आपका सेंटर है यानी कि जहां वो कट हो रहा है, दिस वन इज योर सेंटर. These two roads are along the north south direction. जो road है वो north south east west direction में, it means graph points में है आपके पास. All the other streets of the city run parallel to these roads. ठीक है, यानी कि कुछ road आपके इस line के parallel जाएंगे, कुछ आपके ऐसे parallel जाएंगे, right? And are 200 meter apart. और सबके अंदर जो difference है वो कितना है ये देख लीजिए आप. That is 200 meter apart. मेन चीज टू रोड्स हैं, डायरेक्शन आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है. ओके, दीज आर फाइव स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. और स्ट्रीट्स कितनी हैं आपके पास, फाइव स्ट्रीट्स हैं. अंडरलाइन कर दीजिए जो जो स्टेटमेंट में आपको समझ में आ रहा है, अंडरलाइन, राइट. इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200. अब ऑब्वियसली बात है आप अपनी नोटबुक पे 200 मीटर तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपको जो यूज करना है वो क्या करना है, 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के इक्वल यूज करना है. ये आपको गिवन है, आप अपनी मर्जी से 4, 5, 6 कुछ नहीं ले सकते. दिस वन इज गिवन टू यू. ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी. ठीक है, अब मॉडल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रोड्स चाहिए, ठीक है, और अगर प्रॉपर आपको एक कॉलोनी बनानी है, कट पॉइंट चाहिए, राइट. Draw the model of the city in your notebook. Represent the roads and the city by a single line. जो road और city है उसके लिए हमें single line का use करना है, single line का, right? And these are the main crossroad street in your model. ठीक है, वही हमारे crossroad होंगे. A particular cross street is made by the two street. ठीक है, जो cross street है, क्रॉस यानी जहां आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां पे आपकी दो स्ट्रीट होनी चाहिए. वन इज रनिंग इन नॉर्थ साउथ एंड अदर इज ईस्ट वेस्ट. ऑब्वियसली अगर क्रॉस कर रही है तो अपोजिट ही होंगी, अगर नॉर्थ साउथ में तो दूसरी ईस्ट वेस्ट में होगी. दैट इज वेल अंडरस्टूड. ईच क्रॉस स्ट्रीट इज, राइट, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर. इन विच मैनर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, की अगर सेकेंड स्ट्रीट आपकी नॉर्थ साउथ यानी ऐसे है, ठीक है, एंड जो आपकी फिफ्थ स्ट्रीट है इन द ईस्ट वेस्ट वो आपकी ऐसे है, तो जो मीटिंग पॉइंट है देन वी कॉल इट एज अ क्रॉस सेक्शन 25. इट मीन्स ये आपका सेकेंड जो है ये एक्स एक्सिस पे और ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे है, राइट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज योर एक्स एक्सिस, दैट इज योर वाई एक्सिस. यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस सेक्शन स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4, 3 एंड 3, 4. कि 4, 3 और 3, 4 पे आपकी कितनी क्रॉस सेक्शन है, कितनी स्ट्रीट होंगी, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है. बिफोर डूइंग द थ्योरी मैं आपको एक बार इस पे बता देती हूँ, राइट. लेकिन आपको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, यू हैव टू ड्रॉ इट इन द ग्राफ. मैं आपको पर्टिकुलर बताऊंगी क्योंकि कैसे आपको करना है, ठीक है. ग्राफ में क्या होता है, आपकी इस तरीके से लाइंस होती हैं, ओके, इस तरीके से आपकी लाइंस होती हैं, ठीक है. नाउ दिस वन, अब ये देखिए ये है आपकी नॉर्थ और ये आपका साउथ, ओके, मार्क कर लीजिए नॉर्थ एंड साउथ. आफ्टर दैट ईस्ट एंड वेस्ट, ओके. सो दिस वन इज योर ईस्ट. यहां पे आपको एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको डायरेक्शन गिवन है, वो आप लिख रहे हैं. एंड दिस वन इज योर वेस्ट, इट इज द सेंटर. आपको क्या बोला गया था कि दो स्ट्रीट है, एक नॉर्थ साउथ है, एक ईस्ट वेस्ट है, ये क्या है, सेंटर है, बिकॉज इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. अब 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के इक्वल आपको लेना है, तो ग्राफ पे भी आपको ऐसे ही लेना है, ठीक है. दिस वन इज योर 1, 2, 3, 4, 5, ओके, 6, 7, 8, 9, 10,
ओके अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है 200 मीटर, यहां से यहां तक का 2, यहां से यहां तक का 2, दिस 200, ये भी 200, ये भी, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हैं 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 200 के, ठीक है। सिमिलरली आप यहां ले लीजिए, ठीक है। बैकवर्ड ड्रॉ करूं अगर मैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ओके। सो दिस वन, ये आपके 200 मीटर के डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट्स पे मार्क कर दिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो कि आपको बोला गया था। फिर आपको बोला गया था कि आपको आपकी जो रोड्स हैं वो या तो इसके पैरेलल हैं या इसके पैरेलल हैं, ओके। सो एक काम करें, पैरेलल को ड्रॉ कर दीजिए फटाफट, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल वो हैं, ठीक है, तो लाइक दिस कुछ इस तरीके से वो आपके क्या हो जाएंगे, ड्रॉ। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, हमें 5 स्ट्रीट्स के लिए बोला गया है, ठीक है, तो हम 5 ही ड्रॉ करेंगे। पॉइंट्स आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं बट 5 स्ट्रीट्स आपको स्टेटमेंट में गिवन है, हमने अंडरलाइन किया है, ठीक है। आफ्टर दैट 1, 2, 3, 4 and 5, दिस वन, ठीक है, तो ये भी आपका 5 आ गया, राइट। अब आपको बोला गया था कि जो फर्स्ट पॉइंट आपके पास है दैट इज 2, 5, अब यहां काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, इट मीन्स 2 दैट इज योर एक्स एक्सिस एंड 5, तो इट मीन्स ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट ये है आपका 2, 5। सेकेंड आपको बोला क्या है, क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और बोला गया था कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्रॉस सेक्शन के उन पर क्या होना चाहिए, ठीक है, यहां पे भी लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये जरा सीधी ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्ट्रीट्स आप कहीं से भी इसको काउंट कीजिए, ठीक है, 2, 5, ये हमारा एक मैप जो है ड्रॉ हो गया है, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट जो स्टेटमेंट आपको गिवन थी उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ किया। अब आपको बोला गया 4, 3 के लिए और 3, 4 के लिए, अगर मैं देख रही हूं 3, 4 यानी एक्स कितना है 3 और वाई है 4, तो एक्स 3 यानी दिस वन एंड वाई 4 दिस वन, सो दिस पॉइंट इज योर 3 and 4। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4, 3, तो इट मीन्स एक्स कितना है 4, वाई है 3, तो दिस वन इज दिस वन इज दिस, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 3। तो इस तरीके से आपका जो ये ग्राफ है ये क्या हो गया है, प्लॉट, ठीक है। अब बात आती है इसकी थ्योरी की, किस तरीके से आपने इसकी थ्योरी जो है वो लिखनी है, ठीक है, तो चलिए, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनके आंसर किस तरीके से देखने, बस स्टेटमेंट को समझना और कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कहेंगे, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस एज द टू मेन रोड्स ऑफ द सिटी, राइट, दैट क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ओ विच इज सेंटर ऑफ सिटी, क्योंकि यही आपको बोला गया था सिटी। सेकेंड पॉइंट आपका क्या होगा, मार्क इट एज नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। थर्ड पॉइंट, लेट अस टेक स्केल आपने कितना लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ओके। ड्रॉइंग 5 स्ट्रीट्स पैरेलल टू, दिस वन इज फॉर पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, और वी कैन से गिवन डायरेक्शन, आप यहां पे लिख दीजिएगा गिवन डायरेक्शन में आपने उसको ड्रॉ किया है, ओके। आफ्टर दैट ये 4 पॉइंट्स आपके आ गए हैं, अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट, स्ट्रीट प्लान इज शोन बाय फिगर, यहां लिख दीजिए स्ट्रीट प्लान
is as shown by or shown in the figure. Okay, now answer of first part. अब ये देखिए 3-4 के ऊपर कितने क्रॉस सेक्शन है, 1 ऑब्वियसली 1 ही है, एक क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, राइट, एक ये गली, तो क्रॉस सेक्शन ये वाला बना विच इज 1, एंड सिमिलरली फॉर 3-4 देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट. आपको स्ट्रीट नहीं देखनी कितनी, आपको क्रॉस स्ट्रीट देखनी, और क्रॉस कितनी होगी, क्रॉस देखिए कितना, एक ही क्रॉस बन रहा है यहाँ पे, उससे ज्यादा तो बन ही नहीं रहा है, तो इट मीन्स क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 4-3, राइट. सेकेंड पार्ट का आपका सेम आंसर रहेगा, बिकॉज देखिए 4-3 और 3-4 दोनों पे ही एक एक क्रॉस है, राइट. There is only one cross street which can be referred as 3-4. Okay, which can be referred as 3-4. तो ये आपका क्या था, प्रॉपर सॉल्यूशन था सेकंड पार्ट का. ये आपको इसी तरीके से करना है, और जिस तरीके से हमने इसे बनाया है मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है प्रॉपरली, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो, अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में. थैंक यू सो मच.